और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्र से, जहां पर लोकसभा से महुआ मोइत्रा की सदस्यता संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा और विवाद के बाद उनके संसदीय क्षेत्र को लेकर तमाम बातचीत हो रही थी। इस बीच देखिए महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा और ऐसे में ये बड़ा उलटफेर, महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा और अब महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर की गई है। और आप देखिए महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर होगी, महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द करने के साथ ही इसे मंजूरी दी जाएगी। टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश को इसके बाद मंजूरी दी गई है, ये बड़ी खबर है। महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और देखिए स्पीकर की ओर से ये बयान भी सामने आ रहा है, किस तरीके से महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता जब रद्द हुई है तो स्पीकर की ओर से बयान, आपको बताया कि टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा और इस पर महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश को भी अब मंजूरी दी जाएगी। और स्पीकर ने कहा है कि महुआ को लोकसभा की सदस्य रहना उचित नहीं है। स्पीकर की ओर से ये बड़ा बयान, उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब संसद की सदस्यता उनके पास होना उचित नहीं है। आपको बताएं कि टीएमसी से सांसद रही हैं महुआ मोइत्रा और अब महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी गई। और इस बीच स्पीकर की ओर से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि महुआ को लोकसभा की सदस्य देना उचित नहीं होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।